मीनाक्षी मंदिर का इतिहास। मीनाक्षी मंदिर का इतिहास 7वीं शताब्दी के रूप में पुराने समय में उल्लेख करता है। बताया जाता है कि मीनाक्षी मंदिर की संरचना में पहले परिवर्तन 1560 में मदुरई के राजा विश्वनाथ नायक के द्वारा किए गए थे। तिरुमलाई नायक 1623-55 के शासनकाल के समय मंदिर में कई परिसरों का निर्माण हुआ था, जिसमें वसंत मंडपम और किलिकोकोंडू मंडपम शामिल है। मीनाक्षी अम्मन मंदिर के टैंक और मीनाची नायकर मंडपम के गलियारों का निर्माण रानी मंगलम ने किया था। 14वीं शताब्दी के आसपास पांड्या सिंहासन के उत्तराधिकार को लेकर कई विवाद सामने आए। दिल्ली के अलाउद्दीन ने 1310 में मदुरै पर आक्रमण किया था और अराजकता का शोषण किया। शहर की व्यापक लूट के पीछे उसका जनरल मलिक काफूर था, जिसने आम जनता के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया था। मीनाक्षी मंदिर के 14 मीनारों में से केवल सुंदरेश्वर और मीनाक्षी को छोड़कर सभी को नष्ट कर दिया गया था। श्री मीनाक्षी अम्मन मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। इसी तरह एक कहानी है कि इस मंदिर का निर्माण इंद्र देव ने करवाया था, जब वे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए यहाँ आए थे। एक अन्य पौराणिक कथा कहती है कि देवी पार्वती पांड्य राजा मल्याद्वाज पांड्या की बेटी के रूप में प्रकट हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान से बहुत प्रार्थना की थी। बता दें कि उस लड़की के 3 स्तन थे और कहा जाता है कि जब वह अपने पति से मिली थी तो उसका 3रा स्तन अपने आप गायब हो गया था। राजा की बेटी का नाम तदातगाई था और वह सिंहासन की उत्तराधिकारी थी। वह 64 शास्त्रों में अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी और उसे राज्य को बुद्धिमानी से शासन करने के लिए सभी विषयों का ज्ञान था। किंवदंती है कि विवाह के उपरांत भगवान शिव और देवी पार्वती ने यहाँ कई वर्षों तक शासन किया था। आज जहाँ मीनाक्षी मंदिर स्थित है, वहीं से शिव पार्वती ने स्वर्ग की यात्रा आरंभ की थी। श्री मीनाक्षी मंदिर में अप्रैल और मई के महीने में मदुरई का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार चिथिरई मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान हजारों की संख्या में भक्त मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं। त्योहार में कई धार्मिक संस्कार किए जाते हैं, जिसमें मीनाक्षी देवी का राज्याभिषेक, रथ उत्सव एवं देवताओं का विवाह आदि शामिल है। इस उत्सव की समाप्ति भगवान विष्णु के अवतार भगवान कल्लाझगा को मंदिर में वापस लाने से होती है। राजा मल्लयध्वज और रानी कांचन माला की बेटी को देवी मीनाक्षी माना जाता है, जिसका जन्म कई यज्ञों के बाद हुआ था। यह 3 वर्ष की बालिका अंतिम यज्ञ की आग से प्रकट हुई थी। देवी मीनाक्षी को मां पार्वती का रूप माना जाता है, जिन्होंने पृथ्वी पर अपने पिछले जीवन में कांचन माला को दिए गए वचन का सम्मान करने के लिए जन्म लिया था। श्री मीनाक्षी से सुंदरेश्वर के रूप में जन्मे भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया और दोनों मदुरई आए। यहाँ पर कई वर्षों तक भगवान शिव और देवी पार्वती ने शासन किया। श्री मीनाक्षी अम्मन मंदिर द्रविड़ वास्तुकला को दर्शाता है। यह मंदिर अपने टावरों या गोपुरम के लिए सबसे प्रसिद्ध है, बहुत दूर से भी दिखाई देते हैं। 14 एकड़ में फैला लगभग 12 गोपुरम ने मीनाक्षी मंदिर को सुशोभित किया, जिसमें 4 बाहरी 160 फीट से अधिक की ऊंचाई पर थे। मंदिर के परिसर उच्च इंटर की दीवारों से बने हैं और कई वर्ग परिक्षेत्रों में विभाजित है। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु के कुछ ऐसे मंदिरों में से एक है, जिसमें 4 दिशाओं से 4 प्रवेश द्वार हैं। इस मंदिर के भवन में लगभग 1000 स्तंभ हैं। इस मंदिर के प्रवेश द्वार से लेकर खंभों तक सभी में विभिन्न देवताओं और देवी की छवियों को उकेरा गया है। मंदिर की संरचना 1623 और 1655 के बीच बनाई गई थी।
इसमें 14 गेटवे टॉवर है जिनकी ऊंचाई 450 मीटर है। उनमें से सबसे ऊंचा टॉवर दक्षिणी टॉवर है जो 170 फीट की ऊंचाई पर है। मंदिर परिसर में एक बड़ा टैंक या पोट्रामारिक कुलम भी है जिसमें पवित्र जल भरा हुआ रहता है। आपको बता दें कि यहाँ मुख्य मंदिर जो मीनाक्षी और सुंदरेश्वर को समर्पित है, तीन परिसरों से घिरा हुआ है और चार छोटे टॉवरों द्वारा संरक्षित है। मीनाक्षी का तीर्थ सुंदरेश्वर के तीर्थ स्थल के दक्षिण पश्चिम में स्थित है, जहाँ देवी स्वयं एक काले पत्थर के रूप में है। सुंदरेश्वर का मंदिर केंद्र में है और दोनों के मंदिरों में सोने के टावर हैं, जो दूर से भी दिखाई देते हैं। इस मंदिर में देवी मीनाक्षी अपने दाहिने हाथ में एक तोते के साथ दिखाई देती है। ऐसा माना जाता है कि तीर्थ उन पांच स्थानों में से एक है जहां शिव ने तांडव किया था। यहां चांदी से बनी भगवान शिव की नटराज के रूप में एक विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसमें नटराज को दाहिना पैर उठाकर नाचते हुए दिखाया गया है। और यह नटराज की बाकी छवि से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बाकी में उनका बायां पैर उठा हुआ होता है। यहां हर साल अप्रैल में मीनाक्षी थिरुकल्याणम या मीनाक्षी के दिव्य विवाह का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यहां उत्सव एक महिला वर्चस्व समारोह का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसे मदुरै विवाह भी कहा जाता है। आपको बता दें कि यह उत्सव एक महीने तक चलता है, जिसमें रथ महोत्सव और फ्लोट उत्सव जैसे कई कार्यक्रम शामिल होते हैं। नवरात्रि और शिवरात्रि के उत्सव भी यहां मनाए जाते हैं। हर साल अप्रैल में मनाया जाने वाला तिरुकल्याणम उत्सव यहां का सबसे खास उत्सव है, जो 10 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। वैसे नवरात्रि और शिवरात्रि के दौरान भी यहाँ काफी धूमधाम देखने को मिलती है।